चलो ऑडिबल ठीक है, थोड़ा सा डिले हो गया। एक मिनट रुको, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से, जितने भी लोग मेरे साथ में जुड़ चुके हैं सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। थोड़ा तबीयत खराब है तो इसलिए जो है आज दिन में सो गया था मैं। चलो स्टार्ट करते हैं, तो एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से वीडियो को शेयर कर दें, बता दें ग्रुप ग्रुप में कि सर आ चुके हैं। एक बार फटाफट से शेयर कर दो। एक बार जो है दिन में सो जाओ तो बहुत जो है अच्छा फील होता है। आज मैं बहुत दिनों बाद सोया हूँ, तकरीबन टाइम मिल नहीं पाता, बैक टू बैक क्लासेस हो जाती हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब फ्रेश होता है। मैं 1 घंटे में सो पाया, मैक्सिमम मैं 45 मिनट की नींद मैंने ली है, बट आप तरह ताजा हो जाते हो। मेरा आप लोगों से भी निवेदन होता है कि जिससे आप लोग थक जाते हो पढ़ाई कर करके, तो बीच में 1 घंटा आधा घंटा रेस्ट कर लिया करो, बहुत रिलैक्स हो गए। चलो स्टार्ट। मिक्सचर रिप्लेसमेंट पे हम लोग सवाल करेंगे, रिप्लेसमेंट होता क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चलिए आराम से समझते हैं। सबसे पहले रिप्लेसमेंट होता क्या है, मिक्सचर रिप्लेसमेंट। देखिए अगर मैं मिक्सचर रिप्लेसमेंट की बात करूं तो आप सभी लोग जानते हैं, सर कमेंट देखिए, कमेंट क्या देखूं भाई यार, देखो अब फिर वही बात है, अब तुम लोगों का सर आरआरपीओ की रेट फिक्स हो गया क्या? अब ये सब चीजों के लिए अगर तुम लोगों को मेरे को टाइम खराब करवाना है तो बताओ भाई, पहले पढ़ा लेता हूँ फिर लास्ट में बात करेंगे। ठीक, आरआरबी की क्लासेस मेरी यूट्यूब पर चल रही है, ये लो ठीक है, आरआरबी क्लासेस यूट्यूब पर चल रही है, आप देख लेना। ठीक है चलो, तो मिक्सचर रिप्लेसमेंट क्या होता है पहले समझते हैं, कि अभी तक हमने ये पढ़ा कि एक मिक्सचर है, मिक्सचर मतलब जब एक या दो से तीन लोग चीजों को एक साथ मिलाया जाए, तो मिक्सचर किसी का भी हो सकता है, मिल्क वाटर एवरीथिंग। तो क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं वो समझते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कि क्वेश्चन पूछता कैसा है। तो टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करूं, सबसे पहले आता है इसमें कि मिल्क एंड वाटर और इसमें प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज आपको गिवन है, आपने क्या किया, दूध में पानी मिलाया और जिस भाव में आपने दूध खरीदा उसी भाव में आप मिक्सचर को बेच रहे हो, तो प्रॉफिट हुआ। दूसरा क्वेश्चन आता है इसमें कि मिल्क या टेकन आउट एंड सेम अमाउंट ऑफ वाटर रिप्लेस, ठीक है, जितना आपने दूध निकाला उतना ही आपने पानी रिप्लेस किया, इस पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तीसरा आता है कि इसको मिलाया उसका इतना भाग उसका उतना भाग, तो रिप्लेसमेंट पे बहुत सवाल आते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स क्या हैं आइए समझते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है कि प्रॉफिट परसेंटेज का एक कॉन्सेप्ट बड़ा सीधा है। देखिए प्रॉफिट परसेंटेज में क्या होता है कि एक दूध वाला है, सपोज कीजिए एग्जांपल ये है, नंदलाल ने कुछ दूध खरीदा और उसमें पानी मिला दिया तो उसको इतना परसेंट प्रॉफिट हो गया सेलिंग द मिक्सचर कॉट प्राइस, तो बोल रहा है कि मिल्क और पानी का रेशियो बताइए, तो हम क्या बताएंगे। देखो हमें याद रखना है कि जो प्रॉफिट परसेंट होता है वो कब होता है, थोड़ी कहानी सुनते हैं इसकी, ठीक है, कि प्रॉफिट परसेंट कब होता है। मान लीजिए केस स्टडी लेते हैं, हमने कहा एक दूध वाला है, उसने 1 लीटर दूध खरीदा, 1 लीटर मिल्क,
कि सीपी है 10 रुपए, 1 लीटर दूध खरीदा आपने, उसकी सीपी कितनी है 10, तो आधा लीटर पानी मिला रहे हो, तो पानी कितने रुपए का होता है, पानी कितने रुपए का होता है, पानी तो फ्री का होता है, 0 रुपीज का होता है, तो इसका मतलब आपके पास 1.5 लीटर का मिक्सचर हो गया, 1.5 लीटर क्या हो गया, मिक्सचर हो गया, और 1.5 लीटर मिक्सचर की जो सीपी है वो आपने कहा कि जिस भाव में आपने दूध खरीदा उसी भाव पे आप बेच रहे हैं, 10 रुपए के हिसाब से आपको पड़ा हुआ, 10 रुपए के हिसाब से आपको, ये तो 0 रुपए का था, तो 1.5 लीटर को अगर आप 10 रुपए के हिसाब से बेचोगे तो पैसे कितने आएंगे, अगर आप 10 रुपए लीटर के हिसाब से बेचोगे तो 15 रुपीज आएंगे, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 5 का, किस पे काउंट होगा, 10 × 100, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 50%। तो ये समझ आई ना बात आपको, कि आपने क्या कहा, 1 लीटर दूध खरीदा जो 10 रुपए का था, आधा लीटर पानी मिलाया जिसकी कीमत 0 थी, तो 1.5 लीटर का मिक्सचर की कीमत 10 रुपए है, अगर आप 10 रुपए लीटर के हिसाब से बेच रहे हो तो 1.5 लीटर आप 15 का बेचोगे, पानी भी तो बेचोगे अब आप, तो इसका प्रॉफिट हुआ, तो यानी अगर मैं देख पा रहा हूं कि जो प्रॉफिट हो रहा है वो किसकी वजह से हुआ, प्रॉफिट किसकी वजह से हुआ, पानी की वजह से, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि जो हमारा प्रॉफिट परसेंट है वो किसके बराबर है, कि जितना हमने वाटर ऐड किया किस पे, मिल्क पे, × 100, देखो कैसे वाटर कितना ऐड किया, आधा लीटर, आधा लीटर का मतलब 0.5 आपने ऐड किया 1 लीटर पे × 100, बोल सकते हो, तो याद रखना है कि जब भी इस तरीके का सवाल बनेगा तो याद रखना है कि प्रॉफिट परसेंट पानी जितना मिलाया, जितना मिल्क है इनिशियली × 100, गॉट इट, ये फॉर्मूला हमेशा याद रहेगा, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि प्रॉफिट परसेंट का मतलब हुआ वाटर एडेड अपॉन मिल्क, हाँ या ना बोलो, ये वाली बात कितने लोगों को समझ में आ गई, जिनको आ गई वो बताओ, जिनको नहीं आई वो भी बताओ, क्या नहीं आई मैं तो उस पर डिस्कशन करूंगा, सही में समझ में आ गई सबको, एक बार हाँ या ना बोलो, अगर आ गई है तो अगर सबको समझ में आ गई हो तो बताओ, नहीं आया समझ में, क्या समझ में नहीं आया, फिर देखो मैं पूछूंगा, तो मुझे ये बताओ क्या समझ में नहीं आई, मैंने ये कहा कि देखो जो प्रॉफिट होगा ना, हमेशा आप एक चीज बात अपने दिमाग में रखो कि जो भी प्रॉफिट परसेंट होगा वो जितना पानी आप ऐड करोगे और जितना आपका मिल्क होगा उससे मिल के आपका प्रॉफिट बनेगा, जैसे क्वेश्चन पे आता हूं, ये वाला क्वेश्चन, आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 142 या 14 × 2/7, इतना प्रॉफिट हो रहा है ना, इसका मतलब होता है 1/7, इसका मतलब हुआ पानी जितना मिलाया अपॉन मिल्क, तो बोल रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क वाटर, तो मिल्क पानी का रेशियो, ये देखो बड़ा सिंपल सवाल था, कोई कॉन्सेप्ट पकड़ना ही नहीं यार, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट दे दिया आपको कि जब भी प्रॉफिट होगा एक ही बात दिमाग में रखनी है कि जितना पानी मिलाया और ये हुआ, इज इट क्लियर एवरीवन, भाई अगर क्लियर है तो मैं आगे चलूं, नहीं क्लियर है तो भी बताऊं, एवरीवन फास्ट हरी अप, जल्दी से बताओ, थम्स अप एक बार सारे बच्चे,
क्लियर है? अगर क्लियर है तो बताओ, फिर मैं आगे चलूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो एक सवाल और दे रहा, घबराओ मत, कंफ्यूज मत हो। मनोज बॉट m लीटर ऑफ हनी एंड एडेड n लीटर ऑफ पानी, इतना प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट कितना हुआ? इसका मतलब, और इसका मतलब क्या ऐड किया आपने, क्या ऐड किया? n लीटर पानी मिलाया। जो ऐड करते हैं और हनी, तो पूछ रहा है कि रेशियो ऑफ हनी और वाटर आज के बाद बनेगा तो दिक्कत नहीं होगी। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था, पता नहीं हम इस पे इतना क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बताओ, हाउस दैट? कमेंट फास्ट, बताओ बताओ बताओ, फटाफट से बताओ। नेक्स्ट आ जाओ। जिनको समझ में नहीं आ रहा है बताओ क्या करें उनके लिए। कह रहा है कि एक दूध वाला कुछ मिल्क को कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है, लेकिन कुछ पानी मिला रहा है, तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ 30 का? तो क्वांटिटी ऑफ पानी इन द मिक्सचर ऑफ 60 का, आपको भी समझाया था प्रॉफिट परसेंट। वाटर ऐड किया जितना मिल गया, पानी कितना ऐड कर रहे हैं, प्रॉफिट परसेंट 3/30%। सॉरी, तो उसका मतलब मिल्क और पानी का रेशियो है ना, बोले भाई। तो पूरा मिक्सचर कितने का हुआ? 13 = 65, 1/5, तो मिल्क हो गया 50, पानी हो गया 25, 5 + 3 = 15, सॉरी। तो पानी कितना है बताओ ना, बताओ फास्ट। इजी है कि नहीं बताओ, इजी है? एक और सेम मैं डेटा चेंज किया है। बनाओ बनाओ सवाल।
चलो स्टार्ट करते हैं, हो गया ना। तो क्या क्वेश्चन, 45 का प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट परसेंट का मतलब बताया था मैंने आपको, अपॉन मिल्क, तो इसका मतलब मिल्क और पानी का रेशियो 145, पूरा मिक्सचर 145 बराबर 145 है, तो पानी इज इक्वल टू डन। तो आज के बाद एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो कर लोगे, एक बार सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में ये सही दीजिए, सर आएगा कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, ये वाला क्लियर हो गया, यहां तक की बात पूरी क्लियर है? ठीक है, यहां तक की बात पूरी क्लियर है। अब इसमें आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, वो बोलेगा कि मिक्सचर से निकाला जाता है, मतलब बोलेगा कि क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा कि एक मिक्सचर है, ठीक है, इसमें प्योर मिल्क है, थोड़ी देर के लिए मान लो 100 लीटर है, पूरा दूध से भरा हुआ है। अब हमने क्या किया, इसमें से 20 लीटर प्योर मिल्क टेकन आउट, एंड रिप्लेस बाय 20। तो हम क्या बोलेंगे कि 20 निकाल रहे हैं, देखो 100 था, 100 में से आपने 20 निकाला, तो मिल्क कितना हो गया, 80 हो गया, 100 प्योर था, 20 निकाल के उतना पानी मिला है, तो अब पानी कितना हो गया 20, तो मिक्सचर फिर से 100 हो गया, लेकिन मिक्सचर तो 100 हो गया, मिक्सचर पहले भी 100 था, अब भी 100 है, लेकिन अब उसमें दूध और पानी फिर आ गया। अब फिर बोल रहा हूं मैं फिर आपसे बोल रहा हूं, अगेन 40 लीटर टेकन आउट, एंड रिप्लेस बाय पानी। अब यहां पे सीखना जो मैं कह रहा हूं, पहला वाला स्टेप तो बड़ा सिंपल था कि आपने 20 निकाला, 20 पानी, अब यहां पर जिस रेशियो में अवेलेबल होगा उसमें निकलेगा। अब लाइन आती है कि जिस रेशियो में अवेलेबल होगा उसी रेशियो में निकाला जाएगा, मतलब क्या मतलब हुआ इसका कि यहां पे किस रेशियो में अवेलेबल है, 4:1 में है, यहां पे अवेलेबल किस में, 4:1 में। तो याद रखना कि 40 लीटर जो आपने निकाला और फिर पानी मिला दिया, तो 40 निकालने के बाद कितना हो गया, जो 40 निकलेगा उसके बाद कितना हो गया बताओ भाई, 100 में से आपने पूरा पूरा 40 निकाल दिया, तो मिक्सचर कितने का हो गया, 60 का। तो इस 60 में दूध पानी किस रेशियो में होगा, 4:1 में ही होगा, क्यों 4:1 में, तो 4 और 1 ये 5 की वैल्यू, 1 बराबर ये 48 और ये 12, और फिर आपने उतना ही पानी मिला दिया, तो पानी कितना मिला दिया 40, क्योंकि मिक्सचर 100 करना है, तो मिल्क हो गया 48, आया ना बोलो, और पानी हो गया 52, फिर से मिक्सचर 100। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं आया, कि जिस रेशियो में अवेलेबल होगा बच्चे उसी रेशियो में निकाला जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि प्योर मिल्क था, 20 निकाला तो आपने सीधे 20 निकाल के 80 कर दिया और 20 अलग से पानी मिला दिया, दूध पानी इस रेशियो में अवेलेबल, फिर आपने 40 निकाला, तो 40 निकाल को पहले अलग करो, तो 60 जो बचा वो भी 4:1 में होगा, फिर आपने 40 पानी को पानी से मिला दो, अब जिस रेशियो में अवेलेबल है इस रेशियो में अवेलेबल, तो अगर अब फिर कुछ निकालेंगे तो अब वो इस रेशियो में निकलेगा। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक क्लियर हुआ, बेसिक क्लियर हुआ। अब मैं एक सवाल की तरफ आपको लेके चलता हूं, आप एक ट्राई मारना, फिर मैं इसमें और R&D कर करके आपको इसके शॉर्टकट्स, बेसिक्स, एवरीथिंग आई विल टेल यू।
चलो इसको पहले रीड करो कि एक टैंक है जिसमें 162 लीटर की फिल्ड भरा हुआ है प्योर अल्कोहल, 54 निकाला उतना ही पानी मिलाया, इस प्रोसेस को आपने टू मोर टाइम्स यानी तीन बार किया, तो बताइए कैसे करेंगे। इसके तरीके बहुत सारे हैं। देखो मेथड नंबर वन, मेथड वन क्या होता है कि आपने क्या कहा कि 162 लीटर है, ठीक है, तो आपने क्या किया 54 टेकन आउट, पहली बार में 54 टेकन आउट एंड रिप्लेस विद वाटर। देखो मैं आपको सारे मेथड दूंगा, चिंता मत करो ना, मैं एक मेथड नहीं दूंगा कि शॉर्टकट शॉर्टकट के पीछे भाग के पागल हो जाओ, एग्जाम में बदल का बेसिक ही ना बना। तो 54 निकाला पानी मिला, तो आप सीधा सीधा कहोगे कि 162 में से 54 पहले आपने सीधे सीधे निकाला, ये आपका बचा एल्कोहल और उतना आपने पानी मिला दिया, तो ये पानी बराबर आया ना। बोला पहला स्टेप, पहली बार में आपने 54 निकाला और आपने पानी, तो पहली बार तो प्योर था मेरे पास, तो मैंने सीधा सीधा 54 माइनस किया एल्कोहल, किस रेशियो में अवेलेबल है, ठीक। सुन लो बहुत सारे मेथड है। फिर उसने बोला अगेन रिप्लेस टू मोर टाइम्स, यानी तीन बार आपने ऐसा किया, आपने ऐसा तीन बार किया, तीन बार, तीन बार किया, तो तीन बार किया तो क्या करेंगे, पहली बार आपका हो चुका है, दूसरी बार में फिर 54 टेकन आउट, फिर 54 निकाला, तो मिक्सचर तो पूरा फिर से क्या होगा, 54 निकला, फिर वही देखो 108 ही, 100 मिक्सचर तो 162 ही है, तो उसमें से 54 निकालो, तो फिर से 108 बचा, 108 किस रेशियो में हो जाएगा, एल्कोहल और पानी 2:1 में, 2 और 1 3 की वैल्यू है 36, और ये बात, फिर आपने 54 पानी मिला दिया, तो अब हमारा एल्कोहल कितना हुआ, डन। फिर आप तीसरी बार करोगे, फिर आप दूसरी बार किया ये किस रेशियो में है, 4:1, फिर आप निकालोगे थर्ड स्टेप 54, अरे आ रहा हूं शॉर्टकट, रुकोगे, बेसिक्स मत देखना, शॉर्टकट एग्जाम में तुम्हें सिलेक्शन दिलाएंगे, ठीक है। फिर निकाला तो फिर से आपने क्या कहा, 162 में से फिर 54 हो गया, तो फिर 108 बचा, अब जो 108 होगा वो इस रेशियो में, 4 और 5 9, 1 = 12 = 12 × 5 = 60, फिर आपने ये मिला दिया 54, तो अब एल्कोहल हो गया 48 और पानी ये देखो फाइनल ये हुआ, आया ना, बोलो ये फाइनल हुआ। पूछ क्या रहा है कि फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द कंटेनर, तो पानी कितना हो गया, फाइनल वाटर इन द, ये हुआ इसका फंडामेंटल मेथड, पहले यही मेथड इसका हुआ करता था, आंसर हो गया 114। बट दिस प्रोसेस आपको लग रहा है ना कितना टाइम ले रहा, बकवास मेथड है ये, दिस इज कॉल्ड द रियल प्रोसेस, एक्चुअल प्रोसेस यही है, सुनिए ध्यान से, एक्चुअल प्रोसेस इसका यही है कि पहले निकालो फिर नालो निकालो डालो निकालो, तो इस तरीके से ना जाके हम इसको शॉर्ट ट्रिक के पीछे भागते हैं। शॉर्ट ट्रिक इसकी कुछ है नहीं, शॉर्ट ट्रिक को हमने क्या किया, जो हम तीन बार कर रहे हैं उसको हम देख रहे हैं कि दे आर कंपेरेटिवली क्या हो रहा है, थोड़ा लंबा हो रहा है,
इसी चीज को बेसिक से ही मैंने शॉर्ट ऐसे बनाया कि जो 54 निकाल रहा हूं वो 162 का कितना भाग है, एक तिहाई भाग है, एक तिहाई भाग है। तो मैंने ये कहा कि अगर पूरा मिक्सचर तीन है तो एक निकाला जा रहा है तो मिल्क कितना बचा, दो बचा। बताओ कि पूरा मिक्सचर अगर तीन है तो तीन में से एक निकाला तो दो बचा, कितनी बार किया, टू मोर टाइम्स। फिर से अगर पूरा मिक्सचर तीन है तो एक निकाला तो दो बचा, फिर से पूरा मिक्सचर अगर तीन है एक निकाला तो बचा। तो इस तरीके से आपने कहा कि पूरा मिक्सचर अगर 27 है तो पूरा पानी कितना बचा, पूरा मिल्क कितना बचा, 8। तो आपने कहा कि पूरा मिक्सचर अगर 27 है तो पूरा जो दूध है अब इसमें 8 बचा, तो वाटर कितना हो गया, पानी कितना हो गया 19। तो क्वेश्चन क्या मिला कि भाई 27 जो है वो मिक्सचर है उसकी वैल्यू कितनी है, 162। तो 19 की वैल्यू एक बराबर 6, 19 × 6। तो हमने क्या किया, मेथड को रिड्यूस किया, तरीका वहीं से निकल के आ रहा है। हमने क्या किया, 54 162 बहुत बड़े नंबर्स हो रहे हैं इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है, तो मैंने इसको रेशियो में बना दिया कि ये इसका कितना भाग है, एक तिहाई भाग है। तो तीन से एक निकाला दो बचा, तीन से फिर एक निकाला दो बचा, तीन से फिर एक निकाला दो, तो पूरा मिक्सचर ये रहा, इसमें इतना दूध बचा, तो पानी कितना हुआ 19। तो इसकी वैल्यू ये रही एक बराबर 6 मल्टीप्लाई। मजा आ गया, ये मेथड सबसे बेस्ट है, और भी मेथड है मेरे पास, तो मेथडों की पूरी भरमार है भाई। बताओ एवरीवन फास्ट, सही है, एक भाई इसको इसके बराबर कर दिया मिक्सचर। तो देखो मिक्सचर में क्या हो रहा है कि आप निकाल रहे हो फिर पानी, तो मिक्सचर तो 162 ही है, वो अंदर अंदर प्रोपोर्शन बदल रहा है ना भाई। पहले आपके पास प्योर अल्कोहल था, आपने अल्कोहल निकाला पानी मिला दिया, अल्कोहल निकाला पानी, तो हो क्या रहा है कि अल्कोहल की मात्रा चेंज हो रही है, मिक्सचर जो है वो तो 162 ही है। अब मैं एक क्वेश्चन और देखता हूँ, ये देखिए सेम क्वेश्चन है, ट्राई करेंगे। प्रैक्टिस के लिए कहाँ से बताऊंगा, प्रैक्टिस के लिए मैथ्स फॉर आंसर ऐप है, उस पर आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा प्रैक्टिस के लिए। गूगल प्ले स्टोर से अपडेट कर लेना या फिर अनइंस्टॉल करके उसको इंस्टॉल कर लेना फिर से। वन सिक्सटी लीटर की क्या है, प्योर अल्कोहल है, आपने 16 लीटर निकाला और उतना ही पानी निकाल दिया, इस प्रोसेस को टू मोर टाइम्स यानी तीन बार किया, तो आप मुझे बताओ 16 कितना प्रोपोर्शनेट है 160 का, 1/10। तो 1/10 का मतलब क्या हुआ कि पूरा का पूरा जो मिक्सचर है पूरा मिक्सचर है और क्या बचा, अल्कोहल लेफ्ट। तो मिक्सचर अगर 10 है तो 10 में से एक निकाला तो अल्कोहल 9 बचा, फिर 10 में से एक निकाला फिर 9 बचा, 10 में से फिर एक निकाला 9 बचा, तो मिक्सचर कितने का हो गया, 1729।
कुछ तो बताओ। तो 1000 था इतना बचा, तो सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाएगा, 1000 की वैल्यू 160 है, तो पानी कितना है? तो 271 की वैल्यू। जो भी पॉइंट वॉइंट में आए वो आप चेक कर लेना। क्लियर हुआ कि नहीं? पॉइंट में आएगा जो भी आएगा। तो अब इसी तरीके को आप और भी तरीके से कर सकते हो, तरीके बहुत सारे देखो करने के। शिवानी मैंने ये कहा कि ये इसका कितना भाग है, तो आपने कहा 16 1/60 का 1/10, तो 10 में से एक भी आप ऐसे भी बोल सकते हो कि 160 पूरा मिक्सचर था, 10 में से एक गया तो कितना बचा? 9/10। अगली बार भी 9/10, अगली बार भी 9/10। एक लाइन में ऐसे भी बोल सकते हो, ये क्या आ गया? एल्कोहल लेफ्ट। ऐसे कर लो, चलो भाई ये पूरा मिक्सचर था 9/10 9/10 जीरो, 16 9 का क्यूब 729, ये आएगा एल्कोहल लेफ्ट। पानी निकालना है आपको, तो पूरा मिक्सचर कितना है? 160 माइनस, सही है भाई, पानी आ जाएगा ये एल्कोहल। अब ऐसे करो वैसे करो, बात एक ही है। ऐसी पुराने क्वेश्चन को भी जो मैंने आपको बताया इसको भी आप ऐसे कर सकते थे। 162 है, 54 निकाल रहा हूं, कितना भागे? 1/3, तो 3 से 1 निकाला, 2/3 बचा, 2/3 बचा और 2/3, ये क्या बचा? एल्कोहल, मिल्क नहीं एल्कोहल। ठीक, तो एल्कोहल लेफ्ट कितना बचा? 3 × 3 = 27 से 6 बार 8 × 6 = 48 बचा, तो पानी कितना हो जाएगा? पंद्रह में से चार गया। तो दोनों मेथड अपनी जगह बेस्ट है, ऐसे करो चाहे ऐसे बना के करो या फिर फंडामेंटल से करो। कम इन फास्ट, एवरीवन फास्ट, जल्दी से बताओ। क्लियर है सभी को? एक बार हाँ या ना बोलो। डन। ठीक है, क्वेश्चंस और क्वेश्चंस वेरिएशन सब करेंगे तो और समझ में आएगा। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 12 लीटर आपने निकाला, ठीक है, उसके बाद आपने पानी मिला दिया, इस तरह से आपने 3 मोटे यानी 4 बार किया, तो रेशियो ऑफ जो लिकर बचा और सॉल्यूशन का ये रहा, तो बताइए इनिशियली कितना था? पहले इनिशियली गिवन था, अब इनिशियली गिवन नहीं है। देखो
बोल रहा है कि 12 लीटर आपने निकाला, कोई बात नहीं। देखो हम क्या लिखते हैं कि जितना मिक्सचर है और क्या बचा लीकर लेफ्ट। तो मान लो कि मिक्सचर ए था, ये बी बचा, ये भी ए था, ये बी बचा, ये भी ए था, ये बी बचा, फिर से ए था और ये बी बचा। तो कितनी बार किया हमने? 4 बार किया। तो ए की पावर 4, बी की पावर 4 है ना, बोल सकते हैं। तो हमारे पास मिक्सचर कितना, देखो ए की पावर 4 और लिकर कितना बचा, देखो ये देखो टोटल सॉल्यूशन, ये देखो और कितना बचा, हाउस दैट। इसको इधर लेके आएंगे, इधर लेके आएंगे तो a अपॉन b का कितना आ गया, ये 7 की पावर 4 है और ये 4 की पावर। तो इसका मतलब कि ये मिक्सचर आपके पास 7 है और बाद में 4 बचा, तो आप निकाल कितना रहे हो, 3, 7, 3 निकाला है ना, हाँ या ना बोलो सर। और निकाल कितना रहे हो आप भाई, ये का मतलब हुआ कि 7 में से 3 निकाल रहे हैं तो 4 वापस आ, 10 में से 1 निकाल रहे थे तो हम ये बोल सकते हैं हम 3 निकाल रहे हैं, बट हम निकाल कितना रहे हैं 12। तो 3 की वैल्यू कितनी है, 1 इज इक्वल टू 4, 7 की वैल्यू कितनी है, तो इनिशियली कितना है बताओ। इसको नहीं समझ में आया बताइए, क्या समझ में नहीं है, हरी अप फास्ट। डन यार, सबसे अच्छा मेथड बता रहा हूँ, बेसिक मेथड बताऊँ, आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक मेथड मान लेते हैं, एक्स करके बताता हूँ। लेट द ओरिजिनल इज इक्वल टू एक्स, ओरिजिनल मान लो एक्स, अगर ओरिजिनल एक्स है तो कितना निकाल रहे हैं 12, तो 12 कितना भागे x का, ऐसी करेंगे 12 अपॉन x, 1 में से माइनस किया तो ये आ गया लेफ्ट, कितनी बार किया ऑपरेशन, 3 मोर टाइम्स, 4 बार किया, दिस इज इक्वल टू कितना बचा, 256 बचा, टोटल सॉल्यूशन ये देखो बेसिक। ओरिजिनली अगर x है तो 12 बाई x इतना पार्ट हुआ, एक में से क्यों माइनस किया, ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा, देखो 16 अपॉन 161 बाई 10, तो ये 10 में 1 बाई 10 को अगर 1 में से माइनस करूं तो तभी मुझे 9 बाई 10 मिल रहा था, क्यों, तभी तो 9 बाई 10 मिला कि 10 में से एक गया 9, तो वही आपने क्या बोला, जैसे 1 में से माइनस किया ये हो गया लेफ्ट, लिकर लेफ्ट कितना है, इतना बाई इतना है, लिकर लेफ्ट इतना ही तो इस प्रोपोर्शनेट में, सॉल्व कर दिया, ये 4 अपॉन 7 यहां ले आओ, 3/7, 3/4 जा डन। प्रोपोर्शन क्यों लिया गोलू, गोलू हम क्या करते हैं, हम ये बताते हैं ना कि इतना निकाल रहे हैं तो ये किस प्रोपोर्शनेट में निकल रहा है। गोलू एक चीज समझो ना, अगर जैसे मैंने पहला क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया था, ये बता, मैंने कहा था कि 54 निकाल रहे, तो 54 को डिवाइड किया था किस प्रोपोर्शनेट है, इसका एक तिहाई भाग है। तो ऐसे अगर आप एक्स में से कुछ 12 निकाल रहे हैं तो 12 कितना भाग है इस एक्स का, 12/x, तभी तो ये चीज हुई, ठीक, गॉट इट, ठीक है डन। ये समझ आया ना ये कहां से आया है, एक सवाल और दे रहा हूं, ये देखो एक क्वेश्चन,
हो गया, 9 लीटर आपने निकाला और फिर पानी मिला दिया, ऑपरेशन 3 बार किया, तो क्वांटिटी ऑफ लीकर लेफ्ट टोटल सॉल्यूशन, कौन से वाले से बताऊं, बेसिक से बताऊं तो क्या करेंगे, 9 कितना भागे एक्स का, 1 में से घटा दिया, कितनी बार किया, 3 more times यानी 4 बार, दैट इज इक्वल टू 16 बचा, टोटल सॉल्यूशन 18, 1 minus 9 by x, ये 2 की पावर 4 है, ये 3 की पावर 4 है, सॉल्व कर दो, 1 minus 3 में से 2 गया, तरीके सारे अच्छे हैं, बस क्लिकिंग जोन सी पहले हो जाए, ठीक है, उस वाले से करते हैं, सेम मिक्सचर और लिकर लेफ्ट, तो मिक्सचर ए है कितना बचा बी, 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 तो हमने क्या बोला, प्रोसेस हो गया 1 की पावर 4 b की पावर 4, तो ये कितना है 81 16 81 और ये 16, तो वही 3 और 2, तो निकाला कितना, 1 निकाला, 3 और 2, तो 1 बराबर 9, 3 बराबर 27, ऐसे करो बातें की, क्लियर है, 2 सवाल समझ में आए कि नहीं, रिप्लेसमेंट पे बहुत सवाल आएंगे सर, आप हल्के में मत करो रिप्लेसमेंट, डन 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 डन, चलो रवि ना एग्जाम में यही क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा दिमाग से कर लो, मतलब इसको हल्के में मत लो, मोनू ने क्या किया, 32 लीटर का वाइन चुराया एक कंटेनर से और रिप्लेस कर दिया सेम क्वांटिटी ऑफ पानी, अगेन उसने फिर वही किया 2 more times, तो 10 वाइन टू टोटल क्वांटिटी जो बचा इतना बचा, तो बेसिक से करना चाहो 20 32 निकाल रहे हैं पूरे एक्स में से, कितना बचा, यही बचा, कितनी बार, 2 more time, 3 बार, तो बचा कितना, 216 अपॉन 343 क्यूब रूट इधर आ जाएगा, तो 1 माइनस, तो 1/7, तो 200 कमेंट फास्ट, everyone fast fast hurry up, short भी देख लो, आपने कहा mixture है, कितना बचा wine left, तो mixture कितना था a, कितना बचा b, a b a b, कितनी बार किया, 3 बार, a cube b, और कितना बचा, 216 बचा, मिक्सचर कितना है 343 और ये कितना है 216, तो किसका क्यूब होता है 7 6, तो कितना निकाल रहे हैं, 1 निकाल रहे हैं, 1 बराबर 32, मिक्सचर पूछ रहा है तो 7 बराबर टोटल क्वांटिटी, Then, एक बार बताओ, दोनों आपको मेथड बता दिए, एक्स लेके भी दोनों बैठ, जो आपका मन कर रहे हो आप, ठीक है, नेक्स्ट एक और,
7 लीटर आपने निकाला और उतना आपने पानी मिला दिया। ऑपरेशन वन मोर टाइम दो बार किया तो मिक्सचर स्प्रेड लेफ्ट, तो मिक्सचर आपके पास ए था, बी बचा, ए था, वन मोर टाइम दो ही बार किया, ए स्क्वायर। तो बोल रहा है क्वांटिटी ऑफ स्प्रेड कितना बचा, 25, और पानी कितना है 11, तो मिक्सचर पूरा कितने का हो जाएगा, 36 का। भाई ये तो 25 है और पानी 11 है तो ये 36 हो गया, तो दिस इज इक्वल टू ए कितना हो गया, ये हो गया 6 और ये 5, तो कितना निकाल रहे हैं 1, तो 1 बराबर 7, 6 बराबर 36। कैसे देखो ना, उसने बोला है कि स्प्रिट और पानी, स्प्रिट 25 है, पानी 11 है, तो पूरा टोटल कितना हो जाएगा, 36 नहीं होगा, लिख तो रखा है ना कि पानी दे रखा है ना आपको, बेसिक से बता दो यार तुम लोग भी ना, 1 - 7/x, दो बार किया तो स्प्रिट कितना है, 25, मिक्सचर वही चीज, अरे बेसिक ही तो है ये भी, लो बेसिक वालों दोनों चीजें, मैं बेसिक को ही तो शॉर्टकट बना रहा हूं, शॉर्टकट में कहीं अलग से लेके थोड़ी नया हूं। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को ना। ठीक है, एक और रिप्लेसमेंट, तो मतलब मान के चलो कि जान है, रिप्लेसमेंट अगर आपने सीख लिया तो मैं सच बता रहा हूं मजा आ जाएगा। चालीस लीटर का मिक्सचर है जिसमें दूध पानी है, इस रेशियो में पांच और तीन, बोल रहे कि 8 लीटर आपने निकाला और 8 पानी मिला दिया, सिंपल है, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, ये 8 की वैल्यू बराबर 5, ये 25 है और ये 15 है। हाँ या ना बोलो, अरे बोलो। अब आपने क्या कहा, 8 लीटर टेकन आउट, मैंने आपको बताया भी था जब शुरू में पढ़ाया था बैक बेसिक वाला, 8 लीटर टेकन आउट तो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा करो, 40 में से 8 गया 32, और ये 32 में मिल्क वाटर किस रेशियो में होगा, तो मिल्क कितना है, 5 और 3 = 8, 4 × 5 = 20, पानी कितना है, 8 लीटर मिल्क मिला दिया तो मिल्क अब हो गया 28, पानी हो गया 12, तो पूछ रहा है कि मिल्क और पानी का रेशियो आप बताइए, 4 × 7 = 4 = 3, फंडामेंटल्स काम आएंगे। बताओ सर, बताओ, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत, फिर से रिपीट कर रहा हूं, 40 है, इसकी भी जरूरत नहीं थी आपको, 25 15 की भी जरूरत नहीं थी, आप सीधे करते हैं, आप सीधे करते हैं, देखो इसको लिख लो,
जिस रेशियो में अवेलेबल होता है, निकालने के बाद भी उसी रेशियो में रहता है। रेशियो सेम रहता है, तो वही मैंने बोला कि 40 में से सीधे 8 निकाल दिया तो 32 हुआ, वो 5 3 में रहेगा तो 20 12 फिर 8 मिल्क मिला दिया। ये देखो आंसर, नेक्स्ट बेटा प्रकाश आज मेरी पहली क्लास है, अब तुम क्या चाहते हो, पहली क्लास पे मेंस लेवल दे दूं? बढ़ाऊंगा, डोंट वरी, चिंता मत करो, तुम रहोगे ना उस टाइम पे, चिंता मत करो, पहली क्लास है यार, बहुत तो बेसिक बच्चे हैं। एक 160 लीटर है मिक्सर का पाम ऑयल और पानी का इस रेशियो में, तो क्या करेंगे? 160 का मिक्सर है, पाम ऑयल और पानी 5:3 में, आप सीधे 32 निकाल दो तो क्या बचा? 10 में से दो गया 8, इतना बचा तो इसमें कितना हो जाएगा? पांच और तीन ये 8 की वैल्यू है, 16 × 5 = 80। डन। अब आपने 32 लीटर पाम ऑयल मिला दिया, 32 पाम मिला दो, ये देखो, तो अब रेशियो कितना हो जाएगा? 16:7 × 16:3 एग्जाम में आएगा तो बन जाएगा। अरे कुछ तो बोलो, पक्का? एक और, चलो शाबाश, धीरे धीरे बनाएंगे सब बड़े बड़े क्वेश्चन। चार सौ अस्सी का मिक्सचर है दूध पानी का, पानी 25%, ये 25 है, ठीक है। मिल्क मैंने 80 लीटर निकाल के बेच दिया, 80 निकाल के बेचा तो कितना बचा? 400 बचा, तो 400 भी किस रेशियो में होगा?
मिल्क पार्टनर 3-1 में, तो इसका मतलब ये 300 होगा और ये 100 होगा, हाँ या ना बोलो। 32.4 प्योर मिल्क और 7.6 ये मिला दिया, ये इतना हो गया, ये इतना हो गया, तो नहीं मिक्सचर में पानी कितना है, तो पानी ये रहा और मिक्सचर कितना है 440 इंटू 100 जीरो से, ये 2 जीरो से, अरे ये फास्ट 4 से काट लो, 4 2 8 27, 4 6 24 9 36, 11 2 22 49, 11 4 जा, सही है। कमेंट फास्ट, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, 440 कहां से आया रवि? रवि आपने क्या बोला, 3-1 में अवेलेबल था, 300 ये ऐड कर दिया, 80 निकाल के सीधा डन। चलो आज के लिए इतना ही रख रहा हूँ, दिस क्वेश्चन इज गिविंग यू फॉर द होमवर्क सेम है, और ये बता नेक्स्ट टाइम हम यहाँ से आगे चलेंगे, ठीक है? चलो इसको रिवाइज कर लीजिएगा, 7 बजे मिलते हैं आज की क्लास में। कितने लोग 7 बजे आएंगे आज? सबको आना है क्योंकि अर्थमेटिक की प्रैक्टिस आज वहीं से होगी, 7 बजे के सेशन से, ठीक है? 7 बजे का डेडिकेटेड सेशन है बेटा अर्थमेटिक का, बहुत दुख होता है मुझे तुम लोग आते नहीं हो, ठीक है? चलो जाके फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना और 7 बजे मिलते हैं, ठीक? धन्यवाद।